सारे मणिपुर में जो है तीन महिलाओं को गया उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है नहीं है। हम पहलवानों के साथ है, पूरा देश था पहलवानों के साथ। अरे पूरा देश है पहलवानों के साथ। भारत देश है यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वह देवता निवास करते हैं। हम इसके साथ एग्री हैं कि वो गलत हुआ। ठीक है जी, अब दूसरी बात आप सुनो। मोदी जी से संसद में कि मणिपुर की वो कहते हैं राजस्थान में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ की कोई बात नहीं करते। पूरे देश के राजा और प्रधानमंत्री हो इस देश के। आदमी दिवाली पे पटाखे बैन हुए थे, कोई आदमी वो आदमी ज्ञान देता अच्छा लगेगा ना उसमें कि भाई पटाखे बैन कर जो खुद ने जिसने पेड़ लगाए हो या जो खुद फॉर्च्यूनर में चल रहा है वो ज्ञान दे सके नहीं बताओ आप मेरे। अब मैं ये मुद्दा इसी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। काम दूनी गैंगरे भाई साहब लगाओ पूछो। बता रहा हूँ हाथरस कांड आ जाओ। अगर टीवी में कुछ नहीं आया तो वो एक्चुअल में हैपन नहीं हुआ। जब अच्छा नहीं लगता, जब नारियों की इज्जत की बात वो कर रहे हो जिनके पास डिपार्टमेंट था उस टाइम पे पश्चिम बंगाल के अंदर, जब वो बिहार की लड़की जिसके 75 साल की महिला चर्च के अंदर बूढ़ी महिला का दो बंदे। खराब यदि काम होता है उसके भी मोदी जिम्मेदार है और अच्छा काम होता है उसके भी लिए मोदी जिम्मेदार है। थोड़ा सा मोदी जी अच्छा करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। इस देश में 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। ये मान रहे हो ना मणिपुर में जो कांड हुआ है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार है वहाँ पे? ये मान रहे हो नहीं मान रहे हो? भाजपा की सरकार है, पता होना चाहिए आपको ये बात। आपको पता ही नहीं है ये बात? अरे आप बहस करने आ गए इस चैनल पे? आपको ये बात पता होनी चाहिए, वहाँ भाजपा की सरकार चल रही है। इसे कहते हैं भक्ति, ये अंधभक्त कहते हैं इसे। इन्हें यही नहीं पता कि मणिपुर में सरकार किसकी चले। इन्हें ये बता दिया गया कि सिर्फ जा करके मोदी जी करना है, कुछ नहीं करना है आपको। अरे भाई साहब एक बात बताओ, मणिपुर में जब भाजपा की सरकार चल रही है अभी कह रहे हैं कि अच्छा काम होता है तो मोदी जी जिम्मेदार होते हैं, खराब काम होता है तो मोदी जी जिम्मेदार होते हैं। अरे भैया मणिपुर के लिए बताओ कि आओ ना सामने आओ जा क्यों रहे आओ ना क्या मोदी जी की घटना क्या है चलो आप बता दीजिए। मणिपुर में जो है तीन महिलाओं को करके घुमाया गया उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है नहीं है? भाजपा जिम्मेदार है। सुनो ये भाई साहब बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। भाजपा जिम्मेदार, भाजपा नहीं वहाँ का चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है। अब सुनो है, मगर अंकल जी से एक बार ये पूछो कि मैंने अपनी माँ का दूध पिया। सर गुरु जी आप बड़े आदर्श, सुनो तो सही, हाथ जोड़ के बोल रहा सुन तो लो। सुन रहा हूँ आप एक बार। अरे क्यों बोल रहे सुन तो लो, मैंने भी माँ का दूध पिया है। मैंने भी माँ का दूध पिया है, वो माँ बिहार की उसकी। अरे मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ, बिहार पहुंच गए। सुन तो लो, यही तो परेशानी है। बात यही उनके बारे में भी तो बोला। बात करें मोदी जी से संसद में कि मणिपुर की वो कहते हैं राजस्थान में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ की कोई बात नहीं करते। पूरे देश के राजा और प्रधानमंत्री हो इस देश के, आपको हर प्रदेश की बात सुननी पड़ेगी। यूपी के भी गिनाने पड़ेंगे। लोग अंदर नहीं गए क्या? मणिपुर में कार्रवाई नहीं की गई? मणिपुर में कार्रवाई के लिए मेरे भाई साहब आ गए। इन्हें ये नहीं पता कि मणिपुर में सरकार किसकी चल रही है। हरियाणा में नहीं आएंगे। बिहार की माँ शर्मिंदा है। सुनो, बिहार की माँ मानी है ना, यही कहना चाहते हो? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? लेकिन मणिपुर से क्यों भागते हो आप लोग? मणिपुर से क्यों? मैं अंकल भैया, बड़े भैया कन्हैया कुमार अभी तक फांसी नहीं हुई। आप बताइए, जाने ये जो मणिपुर की घटना बता रहे हैं इसमें क्या कह रहा है? भाई सुनो मेरी बात, भाई साहब आप मेरे को एक बात बताना नॉर्मल सी। देखो कोई आदमी दिवाली पे पटाखे बैन हुए थे, कोई आदमी वो आदमी ज्ञान देता अच्छा लगेगा ना उसमें कि भाई पटाखे बैन कर जो खुद ने जिसने पेड़ लगाए हो या जो खुद फॉर्च्यूनर में चल रहा है वो ज्ञान दे सके नहीं बताओ आप मेरे। अब मैं ये मुद्दा इसी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे मैंने आप घनी देर से बोल रहा हूँ, मैं दो चार मिनट बोल लेने तो उसके बाद बोल लेना। सुनो मेरी बात सुनो। आपने घटना का जिक्र करा, भारत देश है यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हम इसके साथ एग्री हैं कि वो गलत हुआ। ठीक है जी, अब दूसरी बात आप सुनो। आपने निर्वस्त्र का उदाहरण दे दिया। आपको कामदुनी गैंगरेप केस के बारे में पता है? भाई साहब लगाओ पूछो। मैं बता रहा हूँ हाथरस कांड आ जाओ, सारे कांड है। रुक जाओ मेरी बात सुनो। अरे भाई कंप्लीट कर रहे दो यार, बीच में आ जाओ यार। मैं कर रहा हूँ कोई बात कर रहा हूँ यार, हाथ होगी एक एक बार नहीं बोल लो। भाई सुनो मेरी बात, अगर टीवी में कुछ नहीं आया तो वो एक्चुअल में हैपन नहीं हुआ। की घटना मैं बताता हूँ आपको। जब अच्छा नहीं लगता, जब नारियों की इज्जत की बात वो कर रहे हो जिनके पास डिपार्टमेंट था उस टाइम पे पश्चिम बंगाल के अंदर, जब वो बिहार की लड़की जिसके साथ
पहली बार उसको वो घर जा रही थी अपने भाई, उसको रास्ते में से उठा लिया, बिहार की लड़की थी भाई। मेरी बात सुन, अरे भाई भाई रुक जा, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दो। मैं दे भाई, मैं भाई एक मिनट रुक जा, दिल्ली के जंतर मंतर की भाई सुनो सुनो, बेटियां में हमारी बैठी रही। अरे रुक जाओ ना यार पहलवान, एक मुद्दा तो कंप्लीट कर लो पहलवान। अब इनने काम दूनी गैंगरे नहीं केस करा, इसने सुजाता जॉर्डन का केस नहीं बेरा, इनने 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 ना 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 75 साल की महिला चर्च के अंदर बूढ़ी महिला का दो बंदे घुस के है, उसे उसे सवाल नहीं करा करा जाना चाहिए है। जो वहां पहुंच रही है, जो जो मुख्यमंत्री वहां पहुंच रही है नारियों का सम्मान करने वाली, वो पहले बंगाल में तो सम्मान कर ले, पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया उस लड़की का बिहार की, बदतमीजी छा रही है। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि नारी की बात है, यहाँ मुद्दा यो है कि अगर मैं खुद भाई, अरे रुक तो जाओ, अरे रुक जाओ मिनट, अरे हम गए थे, हम पहलवानों के साथ है, पूरा देश था पहलवानों के साथ, अरे पूरा देश है पहलवानों के साथ। सुनो मेरी बात भाई, मेरी बात सुनो, रुक जाओ, बात मत ना काटो, मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं, ये मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं। पहलवानों का मुद्दा भी क्लियर करूंगा आपका, और ये वाला मुद्दा भी क्लियर करूंगा, सुन लो, लेकिन हैव द पेशेंस टू लिसन टू द अदर्स पहले, ठीक है? आपने सवाल किया तो सुन लो, आप आराम से सुनो भाई जी। भाई मेरे को आप एक बात बताओ, जब मैं एक समाज सेवक चुन रहा हूँ, जिसको मैंने चुना है, जो मेरी नारियों की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, मेरे समाज की रक्षा करेगा, जब वो अपने देश के अपने अपने स्टेट के अंदर ऐसी बात करता है, किसी करता है, जब चाइल्ड वुमेन एम्पावरमेंट वाले आते हैं कि ये माइनर है, उससे सवाल जवाब करने आते हैं, तो उसी के स्टेट के कंसर्न डिपार्टमेंट वाले उस लड़की के घर में जाते हैं और कहते हैं कि वुमेन कमीशन वाले आ रहे हैं दिल्ली से, आपको जवाब नहीं देना, आपको जो हम बताएंगे वो जवाब देना है। ये सवाल उठता है जब जब कामधुनी लड़की, बिहार की लड़की, जिसको कॉलेज से जाते टाइम उठा लिया गया, उसके साथ पहली वो पुलिस वालों के पास कंप्लेन लिखवाने गई, पुलिस स्टेशन से बाहर घसीट के उसके साथ दूसरी बार रेप हुआ, जब वो तीसरी बार गई, ये मुद्दा जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जानकारी होनी चाहिए, जब वो तीसरी बार गई तो उसके साथ तीसरी बार हायर ऑफिशियल्स ने घर से